Today, we will discuss cyanobacteria. Now, cyanobacteria is also known as blue green algae. Cyanobacteria को हम लोग blue green algae भी बोलते हैं या maxophacy भी बोलेंगे या हम लोग cyanophacy भी बोलते हैं. तो cyanobacteria केवल याद रखना है कि all green plant and cyanobacteria perform photosynthesis. इसके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी ये जो साइनोबैक्टीरिया हो गया इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं. दैट मींस वी कैन से दैट हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है टू प्रोड्यूस यानी साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज ऑक्सीजन. फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज ऑक्सीजन याद रखना है. यानी क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया में दे हैव क्लोरोफिल ए हैव क्लोरोफिल ए यहां पर प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल ए जो कि सिमिलर होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट. सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स होता है क्योंकि ग्रीन प्लांट में भी क्लोरोफिल ए होता है और साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए होता है इसलिए फोटोसिंथेटिक यानी फोटो हेल्पिंग फोटोसिंथेटिक हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. बट ये प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक का भी सारा कैरेक्टर्स में होता है और क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है हेल्प इन फोटो. इसके अलावा इसमें अदर पिगमेंट भी होते हैं. नाउ ये कैसा होता है यूनिसेलुलर बोल सकते हैं यूनिसेलुलर या कॉलोनियल या हम लोग बोल सकते हैं इसको कॉलोनियल होगा और हम बोलते हैं फिलामेंटस. फिलामेंटस फिलामेंटस होते हैं यानी याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर और मे बी कॉलोनियल और फिलामेंटस भी होता है. क्लियर नाउ अब ये जो फिलामेंटस होता है याद रखना यानी फिलामेंटस मींस इच फिलामेंट इसके अंदर जो फिलामेंटस ग्रुप्ड होता है इच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ सिथ ऑफ म्यूसिलेज उसके ऊपर एक कवरिंग सिथ होता है सिथ ऑफ म्यूसिलेज. म्यूसिलेज का एक सिथ होता है और हम लोग बोल सकते हैं एंड वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड होता है. सेलुलर स्ट्रैंड कॉल्ड ट्राइकॉम्स उसको हम लोग ट्राइकॉम्स बोलते हैं. ठीक है तो ये चारों साइड याद रखना है कि जो सिथ का यानी कि एक तरह का प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स का सिथ होता है म्यूसिलेज का सिथ होगा और उसमें एक या दो स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड ट्राइकॉम्स होता है. ट्राइकॉम्स याद रखना है. याद रखना है साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल क्या करेक्टर है कि साइनोबैक्टीरिया ज्यादा लार्जर होता है देन बैक्टीरिया ज्यादा एलोबरेट होगा देन बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है इसके मतलब न्यूक्लियस नहीं है केवल न्यूक्लियोइड्स है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक प्रोटीन से घिरा हुआ है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है यानी सारा प्रोकैरियोटिक को मेंटेन करता है बिकॉज इट इज प्रोकैरियोट. याद रखना है नो फ्लैजेला यहां पर फ्लैजेला भी नहीं होता. अब इसमें हम देखते हैं सम साइनोबैक्टीरिया क्या करता है फिक्स करता है नाइट्रोजन को. नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. किसके हेल्प से एंजाइम के हेल्प से एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड नाइट्रोजिनेज.
याद रखना है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है साइनोबैक्टीरिया। और कहां होता है, इट टेक प्लेस इन थिक वॉल्ड थिक वॉल सेल्स होता है, थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल सेल्स होगा कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। क्लियर, याद रखना है। तो जो थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। यानी अगर हम इस तरह से एक डायग्राम को देखें तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, अब यहां पर इस तरह का थिक वॉल स्ट्रक्चर होगा। ये जो थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है खास करके नॉस्ट्रॉक में, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो ये हेट्रोसिस्ट क्या हो रहा है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को, फिक्स करने में हेल्प करता है। यानी याद रखना है अबाउट 5-10% ऑफ सेल्स ऑफ ट्राइकोम, सेल्स ऑफ ट्राइकोम जो सिथ का सिथ बना के रख रहा है, सिथ का लेयर का फॉर्मेशन करता है, अबाउट 5-10% ऑफ सेल्स ऑफ ट्राइकोम्स डेवलप इनटू हेट्रोसिस्ट। किसमें डेवलप हो जाता है, इस हेट्रोसिस्ट में डेवलप होता है, हेट्रोसिस्ट में डेवलप होता है। एंड विच ऑप्टेंड, अब ये जो हेट्रोसिस्ट है क्या ऑप्टेंड करता है न्यूट्रिशन, कहां से करता है ऑप्टेंड, तो ऑप्टेंड न्यूट्रिशन फ्रॉम एडजेसेंट वेजिटेटिव सेल, एडजेसेंट वेजिटेटिव सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के फॉर्म में, दैट इज ग्लूटामाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट मींस अबाउट 5-10% ऑफ सेल्स ट्राइकोम्स डेवलप इनटू हेट्रोसिस्ट व्हिच ऑब्टेंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम adjacent from adjacent vegetative cell, adjacent vegetative cells, and याद करना है क्या करता है, और vegetative cell से nutrition को absorb करता है and contribute nitrogen fixation, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। इन द एमिनो एसिड क्या नाम है इसका, कॉल्ड ग्लूटामाइन। ये याद रखना है ग्लूटामाइन के फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स करता है, हेल्प करता है। क्लियर, नाउ हम लोग देख रहे हैं, अगर हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, अब देखते हैं इस तरह का, अगर हम देखेंगे ओसिलोटोरिया, तो ओसिलोटोरिया में इस तरह का हेट्रोसिस्ट नहीं होता। हेट्रोसिस्ट कहां हो रहा है, नॉस्ट्रॉक में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर, देखें अगर हम स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं इस तरह से साइनोबैक्टीरिया का, अगर स्ट्रक्चर को हम देखें, ये इधर हम इसको हेट्रोसिस्ट को रब कर देते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें थोड़ा, इसके अंदर क्या होता है, इसके जस्ट चारों साइड अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि चारों साइड एक ग्रेटिनियस प्रोटीन का सिक्रीशन होता है, एक लेयर होता है जिसको हम लोग सिथ बोलते हैं, या ये जिलेटिनियस प्रोटीन पार्ट होगा यहां पर, दैट इज सिथ। इनसाइड हम लोग देखेंगे क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म का दो कंपार्टमेंट होता है यहां पर देख रहे हैं। यानी इस तरह का अगर हम रीजन देखें, इस तरह से हम देखेंगे तो ये आउटर कंपार्टमेंट होगा और इनर कंपार्टमेंट हो गया।
इधर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, आउटर कंपार्टमेंट में देखेंगे इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड थैलाकोइड। इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, थैलाकोइड होता है। एंड थैलाकोइड कंटेन्स पिगमेंट, इसके अंदर पिगमेंट होगा। तो ये क्या हो गया, थैलाकोइड। थैलाकोइड हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये थैलाकोइड आया कैसे, ये तो प्रोकैरियोटिक है, यानी यहां पर मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता। तो याद रखना है एंडोसिम्बायोसिस से, यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह का हम देख रहे हैं और यहां पर दूसरा नियम यह एंडोसिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है, क्योंकि साइनोपेट्रिया में क्या होता है, सिम्बायोसिस रिलेशन भी मेंटेन करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। दैट मीन साइनोपेट्रिया क्या कर रहा है, फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर सिम्बायोटिक से क्या होगा, थैलाकोइड क्या होता है, इनसाइड आकर स्टे करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोसिस से, और इसके अंदर थैलाकोइड आता है। क्लियर नाउ। तो अब ये देख रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या होगा, थैलाकोइड के अंदर क्या होता है, पिगमेंट। इसके अंदर भरा पड़ा होता है पिगमेंट, एंड दैट पिगमेंट, इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, इसके यहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जेंथोफिल होगा, क्लोरोफिल ए जेंथोफिल, एडेनोइड्स, फाइकोब्लीन, यानी ये सारा पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है कहां, थैलाकोइड के अंदर। क्लियर। और बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट, याद रखना है कि बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट क्या होगा, कि ये जो आउटर कंपार्टमेंट का साइटोप्लाज्म है, आउटर कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म ये कलर्ड होता है, एंड दैट कलर पार्ट इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर। उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कलर्ड पार्ट रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोफोर। That is called chromatophore. Clear? यानी ये कलर रीजन, जो कलर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, या क्रोमोप्लास्ट, फोर नहीं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, जो कलर पार्ट है, और ये आउटर कंपार्टमेंट का रीजन होता है। क्लियर। यानी बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट ये क्या होता है, कलर्ड हो जाता है। अब हम लोग इनर आते हैं, इनर पार्ट जो इनर है, क्लियर साइटोप्लाज्म यहां पर देख रहे हैं, क्लियर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, यानी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, हेल्पिन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। एंड हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इनर कंपार्टमेंट होता है यहां पर क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे ये एक्सोसाइटोप्लाज्म हो गया, तो इनसाइड को हम लोग बोलेंगे एंडोसाइटोप्लाज्म। इनसाइड को क्या बोलेंगे, इसको एंडो, जो कि बाहर का रीजन है, तो एक्सो हो गया या आउटर कंपार्टमेंट है, तो बिकॉज ऑफ पिगमेंट ये कलर्ड है, क्रोमोप्लास्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लास्ट या एंडोप्लास्ट। अब इनसाइड एंडोप्लास्म क्या होता है, यहां पर देखते हैं सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, ये डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, डीएनए बोलेंगे, या इसको न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं इसको, यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये अपर लेयर क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किसका बना होता है, तो जान रहे हैं प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स होता है। तो ये इस तरह हम लोग देख रहे हैं आउटर कंपार्टमेंट में इस तरह का होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया में, कि साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन, या हम बोलेंगे कि ऑल्सो फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और साइनोबैक्टीरिया चूंकि फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इसका एसोसिएशन फोटोसिंथेटिक पार्टनर से भी होता है। यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या होगा, हैविंग फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स होता है, लाइक मोसेस से, लाइकेन से भी एसोसिएशन होता है, मोसेस से, लिवर रॉड से, एंजियोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से,
इसका क्या होगा, ये इसका फोटोसिंथेटिक पार्टनर है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और ये समझ में आ गया कि ये प्रोकैरियोटिक है, बट इनसाइड कैसे आ गया थैलाकॉइड, तो बिकॉज ऑफ याद रखना है एंडोसिम्बायोसिस। Because of endosymbiosis, याद रखना ये inside होता है, जबकि ये prokaryotic है, सारा जो organization इसका prokaryotic है, but it contains pigments, that's why it is photosynthetic bacteria।